बिहार हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग ढांडा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। ढांडा साहब, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कितने तैयार हैं आप लोग? ये जो 25 तारीख का ऐलान हुआ है कि हरियाणा के अंदर वोटिंग होगी 25 मई को, ये दरअसल चुनाव की तारीख नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हार की तारीख तय हो गई है। हरियाणा के लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जिस तरह से ये हरियाणा के किसानों पर अत्याचार करते हैं, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार के लिए तरसा रहे हैं, जिस तरीके से अपराध हरियाणा में बढ़ा हुआ है, उसका बदला लेना है भारतीय जनता पार्टी से। उस बदले के लिए इंतजार कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये तारीख तय हो गई है अब कि 25 मई को हरियाणा के लोगों का गुस्सा निकलेगा चुनाव के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा करके भेजेंगे हरियाणा से। इंडिया जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी हारे। कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता है मैदान में, आप लोग जा रहे हैं कैंपेनिंग के लिए, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है और लोगों के बीच में एक मैसेज इस बार क्लियर है कि इस बार वोट की दो ही ढेरी है, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं और एक तरफ जो देशभक्त हैं। वोटों का क्लियर डिवीजन है दो ही राउंड के अंदर, एक जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जो अंधभक्त हैं जिनको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, एक जिनको संविधान बचाना है, देश बचाना है, वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। तो इस स्पष्ट ध्रुवीकरण की वजह से इस बार ये जो चालें चलती थी भारतीय जनता पार्टी वोट काटने के लिए, कभी किसी नेता को वहां से उतार दिया, कभी किसी को टिकट दिलवा दिया दूसरी पार्टी से, वो सारी चालें इस बार फेल हो रही हैं क्योंकि लोग आर पार के मूड में हैं और सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा में आप लोग एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, दल मिल गए हैं, बहुत बार ये सवाल उठता है कि क्या कार्यकर्ताओं के, क्या जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं या फिर वोटर्स हैं जो दोनों पार्टियों में यकीन रखते हैं, क्या उनके दिल मिल पाएंगे, क्या ये आसान होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड पर आकर के देखिए, एक एक कार्यकर्ता चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, अब वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, अब वो देश के नागरिक हैं जिनको देश का संविधान और लोकतंत्र बचाना है। ये लड़ाई इसीलिए है, हम आपसी मुद्दे, आपसी विवाद हो सकते हैं 100 तरह के, कई मुद्दों के ऊपर टकराव हो सकता है, लेकिन एक बात को लेकर के हम एकमत हैं कि देश में लोकतंत्र और संविधान रहना चाहिए और उसी की वजह से हम लोग एक साथ आए हैं, इसलिए इस लड़ाई में मन से लगे हैं सारे कार्यकर्ता चाहे वो। अच्छा, कांग्रेस की तैयारी को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 9 सीटों पर तो कांग्रेस को लड़ना है लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट अभी नहीं आई है, बीजेपी 6 उम्मीदवार अपने घोषित कर चुके हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने भी हमको यहाँ कैंडिडेट अनाउंस किए हुए 15 दिन से ज्यादा का समय हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने इस बीच में अपना मुख्यमंत्री भी बदल लिया, लेकिन कुरुक्षेत्र से लड़वाना किसको है ये उनको समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, इनेलो से आ गए हैं अभय चौटाला, अभय चौटाला के आने से आप क्या मान रहे हैं, कितनी मजबूती फाइट रहने वाली है? हमको ये पहले से ही मालूम था कि ये कुरुक्षेत्र के अंदर चक्रव्यूह रचने की कोशिश करेंगे और ये सारी टैक्टिक्स आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए हमारा पहला कैंपेन ही कुरुक्षेत्र के अंदर ये था कि लोगों के बीच में ये क्रिस्टल क्लियर मैसेज होना चाहिए कि इस बार दो ही वोट की ढेरियां हैं, एक तरफ अंधभक्त और एक तरफ देशभक्त। लोगों के बीच में मैसेज क्या वोटर्स को अंधभक्त कहा जा सकता है, क्या उनको समझ में आ रहा है कि क्या वोटर्स को आम आदमी पार्टी मान सकती है, क्या वोटर्स के विवेक पर सवाल हो सकता है, क्या क्या किसी पार्टी को वोट करने वाले अंधभक्त हो सकते हैं डेमोक्रेसी में? नहीं तो निश्चित तौर पे जिनको देश का संविधान और लोकतंत्र नजर नहीं आ रहा है, निश्चित तौर पे वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आंख बंद करो तो मोदी नजर आता है, खुलो तो मोदी नजर आता है, तो उनको हम अंधभक्त कहते हैं, इसलिए वो अंधभक्तों को उनकी भक्ति मुबारक, लेकिन इस बार देशभक्त इकट्ठे हो गए हैं तो इस बार उनकी चलेगी नहीं, इस बार चुनाव के अंदर सारे देशभक्त एकजुट हो गए इसलिए उनकी चलेगी नहीं। ये अभय चौटाला जी को ये भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सारे विरोधी दल जिनकी कोई विचारधारा मेल नहीं खाती है, सिद्धांत मेल नहीं खाते हैं, वो भी मोदी के डर से एक हो गए हैं, बुखलाहट में एक हो गए हैं, चुनाव में हार के डर से एक हो गए हैं, क्या कहें? लेकिन ज्योति जी, मुझे तो ये जानकारी है कि एनडीए के अंदर ज्यादा दल हैं और इंडिया गठबंधन के अंदर कम दल हैं, क्या मेरी जानकारी सही नहीं है? बिल्कुल सही आपकी जानकारी। तो फिर आप इसका मतलब इंडिया गठबंधन के डर से वो सारे लोग इकट्ठे हो गए, मोदी जी इतने कमजोर हो गए कि उनको? एनडीए के घटक दल हैं करीब 40 से, आप लोग दो दर्जन से ज्यादा हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के खिलाफ भी तो पहले खड़े रहे ना, अब चुनाव से ठीक पहले ये गठबंधन हो जाना, जिस पर जो बीजेपी के सवाल है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये मोदी के डर से या हार के डर से सारे एक हो गए हैं, ये बार बार कहा जा रहा है बीजेपी नेताओं की ओर से। मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कहना सही नहीं होगा कि मोदी जी इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको 40 अपने साथ घटक दलों की जरूरत पड़ रही है चुनाव लड़ने के लिए? क्या ये कहना सही नहीं होगा कि कई सारी जगहों पे, चाहे वो बिहार के अंदर हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, चाहे वो अन्य जगहों पे हो,
जहां जिन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ी है भारतीय जनता पार्टी, उनको अब अपने घटक दल में लिए बैठे हैं, उनको अपने साथ लिए बैठे हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। ये प्रोपेगेंडा इस बार चलेगा नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में क्रिस्टल क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तानी जो घुसपैठिए हैं वो तो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन कर सकते हैं, और जब किसान जाता है दिल्ली में प्रदर्शन करने तो उसके ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई जाती हैं। तो इस बार तो यही देखना है हमको कि पाकिस्तान समर्थित जो पाकिस्तानियों का समर्थन करती है वो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे, या जो किसानों के ऊपर गोलियां चला रही है उस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट करेंगे। इस बार लोगों के बीच में मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, चुनाव से ठीक पहले जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है ढांडा साहब, जेजेपी को जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया कि बीजेपी ने, उसे कैसे देख रही आम आदमी पार्टी? मुझे तो लगता है कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि जेजेपी को साथ में रखेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा या जेजेपी को छोड़ देंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। 9.5 साल के बाद अगर किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदलना पड़े तो वो बहुत ही साफ संदेश है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि 9.5 साल फेलियर से भरे हुए थे। 9.5 साल हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, 9.5 साल में हम कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, हमारी सरकार की नीतियों से लोग खुश नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा लोकसभा चुनाव से पहले, और इसीलिए ये बदलाव हुआ है। वरना मुझे तो समझ नहीं आता कि किस मेरिट के बेस पे या किस डीमेरिट के बेस पे अचानक से लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत पड़ जाए, और फिर जो नए मुख्यमंत्री बने उनका अपमान भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको रबर स्टैंप सीएम बना के रखना चाहती है। कल मैंने देखा एक उद्घाटन पट्टिका पे मनोहर लाल खट्टर जी ऊपर लिखा हुआ था, जबकि वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के इस वक्त, उनका नाम फिर भी नीचे लिखा हुआ था। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरे एक समाज का, पूरे एक वर्ग का अपमान कर रही है। मुख्यमंत्री बनाते हैं अपनी मजबूरियों के चलते, और फिर उनको रबर स्टैंप बना के रखना चाहते हैं, उनको उनका अधिकार भी नहीं देना चाहते, उनका सम्मान भी नहीं देना चाहते। अच्छा, मैं आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछूंगी। आप लोग बार बार दिल्ली मॉडल का जिक्र करते रहे, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते रहे, फिर पंजाब में जीते, वहां से भी उम्मीदें हुई कि हरियाणा में भी आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन हरियाणा में किसी भी स्तर पर आप लोगों को कभी अवसर नहीं मिला, कभी आप लोग जमानत नहीं बचा पाए। पिछली बार जेजेपी के साथ लड़े थे, इस बार कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। आप लोग क्या अलग मानकर चल रहे हैं कि क्यों हरियाणा की जनता आप लोगों को मौका देगी, क्या अलग है इस बार? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले हमने कभी भी कोई सीरियस अटेम्प्ट हरियाणा के अंदर किया, और उसके कारण है कि हमारे बहुत सीमित संसाधन हैं और हम बहुत लिमिटेड जगहों पे ही चुनाव लड़ सकते थे। हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें कोई एक कंपनी 1300 करोड़ रुपया नहीं देती जो कि जुआ खिलाते हैं ऑनलाइन गेमिंग के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई पाकिस्तानी कंपनी हमको चंदा नहीं दे रही है, इसलिए हमारे पास तो सीमित संसाधन है, बहुत लिमिटेड जगहों पे लड़ सकते थे। इसलिए हरियाणा अभी तक सेंटर ऑफ हमारा जो पॉइंट है उसमें नहीं था। अब हरियाणा के हम पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, पूरा संगठन हम हरियाणा में बना चुके हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को चुनाव के लिए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। कैबिनेट मंत्री